नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए बिहार में क्या होगा, किस वक्त हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज दिन में आपने देखा कि बिहार विधानसभा में किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर बरस पड़े। और यह जो बरसात थी नीतीश कुमार की, गुस्से की बरसात, वह कोई सहज बरसात नहीं थी। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, यदि आपने हमारा वीडियो देखा है, लाइव सीरीज का वीडियो देखा है, तो आपने समझा होगा कि नीतीश कुमार के भीतर कितना गुस्सा भरा था। उन्होंने विजय कुमार सिन्हा की ओर अंगुली करते हुए कहा, आसन की ओर अंगुली करते हुए कहा, आपको पता क्या है, आप जानते क्या है, संविधान का उल्लंघन नहीं चलेगा, संविधान पढ़िए, संविधान निकालिए। तो ये सब तो दिन में होता रहा, लेकिन अभी से कुछ देर पहले अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच गया है राजभवन और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की है। तो देखिए सियासी तापमान बहुत गर्म हो गया है। और राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंचे नीतीश कुमार, कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, कुछ ऐसा हुआ नहीं था, कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा था, और दिन में आज इतनी गर्माहट थी। तो नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले हैं, क्या बोले हैं, नहीं बोले हैं, यह किसी को पता नहीं, लेकिन बहुत सारी खबरें चलनी और सियासी ड्राइंग रूम में बहुत सारी बातें कही जानी शुरू हो गई है। देखिए तापमान गर्माया हुआ है। आज जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के भीतर बोल रहे थे, गुस्सा निकाल रहे थे, तब वहां प्रतिपक्ष तो नहीं था, तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक थे। और किसी भी विधायक की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने विधानसभा अध्यक्ष, जो पूरे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनके पक्ष में कुछ बोल सके। देखिए विजय कुमार सिन्हा का गुस्सा लखीसराय को लेकर है और लखीसराय की राजनीति में क्या सब है यह भी आपको पता है, लेकिन नीतीश कुमार नियम की दुहाई दे रहे थे, कह रहे थे इंक्वायरी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाती है, आपको थोड़े में सौंपी जाती है। तो नीतीश कुमार आज जिस तरीके से गरजे हैं, बरसे हैं, इसका माने मतलब कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल है और वह बहुत बड़ा है। बिहार में इन दिनों भीतर भीतर गर्मी बहुत चल रही है। पहले भी यह बात कही जा रही थी कि 10 मार्च को जब यूपी के नतीजे आएंगे तो इसके बाद बिहार में सियासी हलचल तेज होगी, नीतीश कुमार अपने नए तेवर में दिखाई पड़ेंगे और नए गठबंधन, नए गठजोड़ की उम्मीदें भी कही जा रही थी। लेकिन 10 मार्च को भाजपा ने यूपी जीता, इसके बाद लग रहा था कि नहीं, सब कुछ ठीक है। पर आज नीतीश कुमार जिस तरीके से फटे और नीतीश कुमार के व्यवहार में परिवर्तन भी आपको दिख रहा होगा। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार अपने पुराने लोगों से मिलने जा रहे हैं और बिना कुछ नई योजना के, कोई नए राजनीतिक कार्यक्रम के, बस यह कह रहे हैं कि आपसे मिलना चाहता था, बहुत दिनों से मिलना चाहता था, फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो मैं मिलने चला आया, जो बच्चे थे वे बड़े हो गए हैं, सभी काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से यह कार्यक्रम उनका शुरू हुआ है, अब नालंदा जिला की ओर भी जा रहे हैं, राजगीर भी जाएंगे, तो बहुत सारी बातें शुरू है कि नीतीश कुमार देखिए बगैर किसी प्लान के तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के मन के भीतर क्या है, भाजपा भी पढ़ नहीं पा रही है और भाजपा भी जान रही है। देखिए जेडीयू को लगता है कि बीजेपी पैतरा करती है और बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार तानाशाही करते हैं, तो इन सबके बीच क्या होना है। देखिए एक विवाद जो है अभी बढ़ेगा। इधर आप देख रहे हैं कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव होना है और यह चुनाव सीटों का बंटवारा हुआ, सीटों का बंटवारा किसमें किसमें हुआ, नीतीश कुमार के जदयू, बीजेपी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी में। लेकिन अब मुकेश सहनी, जिन्हें सीटें नहीं मिली थी, मुकेश सहनी ने एक नया दांव खेल दिया। मुकेश सहनी गए थे यूपी लड़ने, जेडीयू भी यूपी लड़ा, तो मुकेश सहनी ने अब उम्मीदवार उतार दिए हैं और जो उम्मीदवार उतारे हैं वो जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ नहीं उतारे हैं, बीजेपी के भी कुछ उम्मीदवारों को समर्थन दिया है। लेकिन कई सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी ने उम्मीदवार उतार दिया है बीजेपी के खिलाफ। तो इससे जो बात समझ में नहीं आ रही है कि मुकेश सहनी के पीछे कौन है। और खबरें यह भी चलने लगी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के वक्त, 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त यह कहा जाता था कि भाजपा का चिराग, अब वैसे ही क्या नीतीश कुमार के मुकेश सहनी,
और मुकेश सहनी नीतीश कुमार के दम पर ही कह रहे हैं कि बोचहा में वीआईपी ही चुनाव लड़ेगा, जबकि बीजेपी कह रही है, बीजेपी के नेता इस्तीफा मांग रहे हैं, बीजेपी के सांसद अजय निषाद जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं वे कह रहे हैं किसी भी कीमत पर वीआईपी को नहीं लड़ने देंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कल मुजफ्फरपुर में कि उम्मीदवार की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार से मुकेश सहनी की कोई बातचीत हो चुकी है? मुकेश सहनी 22 मार्च को अपने उम्मीदवार के नामांकन की तारीख का ऐलान भी कर चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर की पहुंच गए हैं वे राजभवन में और राजभवन से मुलाकात कर वे निकले हैं, लेकिन खामोशी की चादर है और न राजभवन कुछ बोल रहा है न मुख्यमंत्री निवास कुछ बोल रहा है। आपको यह भी पता है कि आज दिन में जो तनातनी हुई इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए, क्योंकि जो विजय कुमार सिन्हा का मसला है और जिस मसले को लेकर वे गंभीर हैं या जो विवाद का कारण है वह लखीसराय की एक घटना है, लखीसराय का एक कार्यक्रम है जिसमें गिरफ्तारियां हैं और भी अन्य मसले हैं। तो मुख्यमंत्री ने विधि व्यवस्था की समीक्षा की और केस के इन्वेस्टिगेशन में लगने वाले वक्त के बारे में जाना। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है और इसके साथ ही होली की तैयारियों को लेकर, आपको मालूम है कि होली में हुड़दंग होता है, तो नीतीश कुमार ने आज अपने प्राधिकारियों को कहा है कि अभी से अलर्ट हो जाइए, होली में बिल्कुल टाइट रहना है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की समीक्षा भी की और इसके बाद वे राजभवन में पहुंच जाते हैं। तो राजभवन में जैसे ही वे पहुंचे और वहां से निकले, लोगों ने यह जानने की कोशिश शुरू कर दी है, जो सुराग पाने वाले लोग हैं, कि आखिर मसला क्या है। फागु चौहान से मुलाकात हुई तो किस वक्त मुलाकात हुई, किस रूप में मुलाकात हुई, तब उनके तेवर क्या थे और क्या कहने को गए थे। दिल्ली तक हलचल है, बीजेपी वाले खामोशी की चादर लपेटे हैं, बीजेपी वाले कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि पता है कि यदि अभी बोलेंगे तो नीतीश कुमार का गुस्सा और भी अधिक चढ़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, परंपरा की बात कर रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा की कार्यवाही लंबे समय तक कई दशकों तक देखते रहे हैं और आज भी रिपोर्टिंग करते हैं, उनका भी कहना है कि आज बिहार विधानसभा के भीतर जो दृश्य था वैसा दृश्य कभी पहले नहीं बना था। इस तरीके से कभी भी कोई मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष पर नहीं बरसे थे, लेकिन आज बरसे हैं, नीतीश कुमार बरसे हैं। और नीतीश कुमार जब बरसते हैं तो बरसते ही चले जाते हैं, तो बिहार का माहौल गर्माया हुआ है, सियासी तापमान गर्म है, आगे क्या होगा इस पर नजर रखनी होगी। लाइव सिटीज नजर रखेगा, आपको भी हम कनेक्ट रखेंगे, देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।